हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 हिस्ट्री के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लेसन 3 अपना चल रहा था जर्मनी में नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, और इसकी लगभग अपन 10 वीडियो देख चुके हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया था कि हिटलर का विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण था। उसने हिटलर ने जर्मनी के अंदर जातिवाद अपनाया कि उसने जातियों को क्रम दिया कि ये जाति उच्च है, ये जाति नीची है, और उसमें उसने नाड़ी कार्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना। यहूदियों, जिप्सी, विकलांग, उन सबको ये माना कि ये मेरे जर्मनी के लिए कोई काम के नहीं है, और उनके साथ गलत व्यवहार किया, उनको यातनाएं दी और उन्हें सामूहिक रूप से कत्ल करवाया। ये सब अपन लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर अपन देखेंगे नस्ली कल्पनालोक या यूटोपिया। बात वही है, लास्ट वीडियो को ही आगे बढ़ाएंगे कि जर्मनी के अंदर जो ये कर रहा था हिटलर, वो क्या था, उसकी एक सनक थी। वो जर्मनी को पूरे यूरोप में एक सुदृढ़ राष्ट्र यानी एक सर्वशक्तिमान शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था, और उसी के लिए उसने किया था। और वो अपने जर्मनी को एक कल्पना लोक, जिसको इसको नाम दिया था यूटोपिया, कल्पना लोक बनाना चाहता था, एक आदर्श राष्ट्र बनाना चाहता था जिसमें सब कुछ अच्छा हो। लेकिन सब कुछ अच्छा करने के लिए उसने बहुत कुछ बुरा किया। वो चाहता था कि मेरे जर्मनी के लोग अच्छे से रहें, जर्मनी के लोगों को सारा सम्मान मिले, जर्मनी के अंदर सुख शांति रहे। लेकिन उस सुख शांति के लिए उसने सामूहिक लाखों की संख्या के अंदर लोगों को मरवा दिया। किन लोगों को? जिनको वो पसंद नहीं करता था, जिनको वो अवांछित मानता था, जिसमें यहूदी, जिप्सी, अशुद्ध नस्ल के, विकलांग, ये सब लोग आते हैं। तो अपन जो इसका पहले अपन देखेंगे कि उसने उस नस्ली जो कल्पना लोक के लिए क्या क्या कार्य किए। तो लास्ट वीडियो के अंदर तो अपन देख ही चुके थे कि जर्मनी जो नाड़ी कार्य वही श्रेष्ठ है, यहूदी, जिप्सी, और उसके ऊपर उसने अत्याचार किया, और अत्याचार भी इसीलिए किया क्योंकि वो मानता था कि वो मेरे कुछ काम के नहीं है। और 1933 से लेकर 1938 के अंदर उसने यहूदियों की आजीविका छीन ली, उनके व्यवसाय छीन लिए ताकि वो पंगू हो जाए। जब वो कमाएंगे ही नहीं तो क्या खाएंगे, तो उनके खाने रहने का कोई ठिकाना खत्म कर दिया, और इस तरह उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया था। अब आज अपन देखेंगे उसका कातिलवादी लोक या यूटोपिया, जिसको वो आदर्श लोक मानता था। वो मानता था कि मुझे जर्मनी को एक आदर्श राष्ट्र बनाना है, और उसके लिए उसने क्या किया, दो तरह के मोर्चे संभाले, एक बाहरी मोर्चा और एक आंतरिक मोर्चा। बाहरी मोर्चे के अंदर उसने क्या किया, साम्राज्यवादी नीति अपनाई, और आसपास के जो क्षेत्र, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आसपास के जो फ्रांस और इंग्लैंड और रूस ने जो उसके इलाकों पे कब्जा कर लिया था, उन इलाकों के ऊपर उसने वापस से कब्जा किया, यानी साम्राज्यवादी नीति अपनाई। और भीतरी मोर्चे पर क्या किया, उसने सामूहिक कत्ल किया। किन लोगों को सामूहिक कत्ल किया, जिसको ये पसंद नहीं करता था। इस प्रकार अपने कल्पना लोक, अपने आदर्श लोक, अपने कातिलवादी लोग को बनाने के लिए उसने दोनों मोर्चे के ऊपर कार्य किया। अब उधर क्या किया, पोलैंड और उत्तर पश्चिमी इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया। मैंने आपको बता ही दिया कि पोलैंड ने क्या किया था, जर्मनी के जो उत्तर पश्चिमी इलाके थे उसके ऊपर पहले कब्जा कर लिया था। तो अब वापस से उसने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया, और पोलैंड के ऊपर कब्जा करने के बाद वहाँ के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार किया, उनको मजदूरों की तरह रखा, उनको खाने पीने के वादे कर दिए। तो इसकी वजह से उनको क्या हुआ, या तो वो जगह छोड़कर चले गए, या फिर फाइनली उनको मरना पड़ा, या मर ही गए, या फिर इसने ही सामूहिक रूप से उनको मार दिया। तो पोलैंड के उत्तरी पश्चिमी इलाकों के ऊपर उसने कब्जा किया, पोलैंड को पशुओं की तरह खदेड़ा, पोलैंड के अंदर लोगों को जैसे पशुओं को भगाते ना, ऐसे उनको इतना मजबूर किया कि लोग वो जगह छोड़ छोड़ के चले गए। ताकि उसका क्या हो रहा है, इरादा था कि पोलैंड के वो सारे क्षेत्र खाली हो जाएं, और जब पोलैंड के वो क्षेत्र खाली हो गए तो उसने क्या करा, अपने जर्मनी जो नाड़ी कार्य के लोग थे उनको वहाँ पर रहने के लिए जगह दे दी, ताकि वो लोग वहाँ पर आसानी से रह सके। अब उसने जनरल गवर्नमेंट नामक स्थान बनाया। नाम से लगता है जनरल गवर्नमेंट कोई सरकारी स्थान होंगे, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं था। जनरल गवर्नमेंट वे स्थान थे जहाँ पर सामूहिक कत्ल किया जाता था। वहाँ पर यातना गृह बनाए गए थे, जहाँ पर बंकर बनाए गए थे, गैस सिलेंडर बनाए गए थे, जहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि से और टेक्निक के द्वारा लोगों को मारा जाता था,
जहरीली, उनको टैंकों में बंद कर देते थे और अंदर जहरीली गैस छोड़ देते थे, तो उस जहरीली गैस में क्या होता था, लोगों का दम घोट के मर जाते थे। फिर उसने कंस्ट्रक्शन कैंप बनाए जहाँ पर चारों तरफ नंगे तार बिछा दिए थे, तो और वहाँ पर लोगों को कैद करके रखता था। कैद करके रखने पर यदि वो लोग भागना भी चाहते तो उन वायर के द्वारा करंट आ जाता था और वो मर जाते थे। इसके अलावा आपके बुक में बहुत सारे ऐसे पोस्टर हैं जहाँ पर इन सामूहिक कत्लखानों का चित्र दे रखा है। चप्पलों के ढेर हैं कि उनका अंतिम समाधान करने से पहले उनके चप्पलों का ढेर है कि मतलब लाखों की संख्या में चप्पल पड़े, अर्थात लाखों की संख्या के अंदर लोगों को मार दिया गया है, लाखों की संख्या में कपड़ों के ढेर पड़े हुए, और इस तरह के पोस्टर आपके बुक में दे रखे हैं। तो जनरल गवर्नमेंट ऐसे स्थान थे जहाँ पर अवांछित लोग, अवांछित के अंदर कौन आते थे, यहूदी, जिप्सी, रोमा, उसके बाद जो बंजारा ये थे वो, यानी जिप्सी और विकलांग, इन सबको सामूहिक कत्ल होता था। उन्हें यातनाएं दी जाती थी और यातनाओं के लिए बंकर, कंस्ट्रक्शन कैंप, गैस सिलेंडर आदि बनाए गए थे। अब क्या हुआ बच्चों, इसी के साथ उसने क्या किया, बुद्धिजीवियों को कैद किया। बुद्धिजीवी जो लोग समझदार थे, जो चिंतन करते थे, जिनके अंदर ज्ञान था, जिसमें स्किल थी, उन लोगों को उसने कैद करना चालू किया और फिर उनको मार दिया। अब ऐसा क्यों किया, जबकि कोई भी देश क्या होता है, बुद्धिजीवी का तो सम्मान करता है क्योंकि बुद्धिजीवी तो देश का विकास करते हैं, लेकिन उसको पता था कि बुद्धिजीवी क्या है, सही राय देंगे, गलत को गलत कहेंगे और लोगों को ज्ञान देंगे कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तो वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह के बुद्धिजीवी वहाँ पर रहें और जिनको पता चले कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल गलत कर रहा हूँ। तो इसलिए उसने क्या करा, बुद्धिजीवी को कैद कर लिया और कैद करके उनको मार दिया। क्योंकि जब रूस की क्रांति हुई थी, भारत की क्रांति हुई थी भारत में, तो जाके भी अपन यदि स्वतंत्रता आंदोलन देखें तो उसमें बुद्धिजीवियों का योगदान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धिजीवियों के द्वारा ही तो देश के लोगों को प्रेरणा मिलती है और वो अपने अधिकारों के प्रति जागृत होते हैं और फिर क्रांति होती है। लेकिन जो हिटलर था वो तो जर्मनी में ऐसा चाहता ही नहीं था, वो तो गलत कार्य करना चाहता था। अब जो गलत कार्य करना चाहेगा वो तो गलत ही करेगा ना, तो उसने बुद्धिजीवियों को गुलाम बना करके फाइनली उनका सामूहिक कत्ल कर दिया। दिखने में जो बच्चे नाड़ी कार्य जैसे थे उन्हें उन्हें माँ बाप से छीन लिया गया। देखो इसने कितना अत्याचार किया, नाड़ी कार्य जिनके गोल्डन बाल हो, आंखें नीली हो, वो नाड़ी कार्य। तो उसने क्या करा कि जो बच्चे उसको नाड़ी कार्य जैसे दिखते थे, अर्थात ब्लांड है या जिनके बाल गोल्डन कलर के थे और जिनकी आंखें नीली थी, उनको उनके माँ बाप से छीन लिया गया। छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप से छीन लिया और छीन करके उनका टेस्ट कराया गया, उनके नस्ल की जांच की गई। यदि वो शुद्ध नस्ल के पाए जाते तो उन्हें जर्मनी परिवारों के अंदर पाला पोसा जाता था, उन्हें सब सुख सुविधाएं दी जाते थे। लेकिन यदि पता चलता कि ये तो शुद्ध नस्ल के नहीं है तो उन्हें क्या किया जाता था, अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता था, और अनाथ आश्रम के अंदर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, और फाइनली कुछ बच्चे तो उसमें मर भी जाते थे। तो उसने कितना अधिक अत्याचार किया, छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप से छीन लेना कितना बड़ा अत्याचार है। तो इस तरह का कार्य भी हिटलर ने किया था। और आपकी बुक के अंदर ऐसे पोस्टर दे रखे कि बच्चों को, लोगों को मालगाड़ी, दिखने में तो मालगाड़ी कैसे दिख रही है, जैसे उसमें अनाज भरा हो या कोई सामग्री भरी हो, लेकिन वो क्या थे, वो तो लोगों को ले जाने वाली मालगाड़ी थी जिसमें अवांछित लोगों को ले जाया जाता था। और कहाँ ले जाया जाता था, ऐसे स्थान के ऊपर जहाँ पर उनका सामूहिक कत्ल कर दिया जाता था। तो बच्चों ये सब कुछ अपने देखा कि उसने अपने नस्ली कल्पना लोक बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए। अब ये नस्ली कल्पना लोक यानी यूटोपिया को निर्माण के लिए उसने जो कार्य किए उसको आपकी बुक के अंदर तीन चरणों में दे रखा है। पहला चरण 1933-39 का है, दूसरा 1940-42 का है, और तीसरा 1941 के बाद का है। तो अपन तीनों चरण देखेंगे कि उसने चरण के अंदर कार्य किया। पहले क्या किया, 1933-39 में पहला चरण जहाँ पर केवल उसने लोगों का बहिष्कार किया, किन लोगों का, अवांछित लोग। अवांछित लोग कौन, जिसको वो पसंद नहीं करता था। तो पहला चरण था बहिष्कार का चरण जो था 1933 से 1939 के अंदर, और 1933 से 1939 के अंदर मौत का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, बहिष्कार प्रारंभ हुआ था। उसने उन लोगों का बहिष्कार किया जिसको पसंद नहीं करता था, उसको लगता था कि ये मेरे जर्मनी जिसकी मैं कल्पना लो, मैं जिस आदर्श जर्मनी की बात कर रहा हूँ उसमें ये कोई काम वाले काम के नहीं है, जिसमें जिप्सी, यहूदी, विकलांग,
ये जो नोमैडिक जो घुमक्कड़ लोग थे वो इन सबको वो मानता था, जो बुद्धिजीवी, कि ये सब लोग मेरे कोई काम के नहीं है। तो इनका उसने बहिष्कार किया और इसको उसके कल्पना लोक निर्माण का पहला चरण किया और ये चला था 1933 से 1939 के अंदर। इसके लिए उसने क्या किया, 1935 में न्यूरेनबर्ग नागरिकता अधिकार घोषणा पत्र जारी किया और इसमें यह था कि जो अवांछित लोग थे उनकी नागरिकता को समाप्त कर दिया। जो यहूदी थे, जिप्सी थे, उनकी नागरिकता समाप्त, यानी उनको कोई अधिकार नहीं, उनकी आजीविका छीन ली गई, उनके व्यवसाय बंद कर दिए गए, उनको लूट लिया गया, उनके प्रार्थना ग्रहों जो उनके जो प्रार्थना के जो स्थान थे उनको जला दिया गया, उनके घरों को लूट लिया गया, इनके संपत्ति को लूट लिया गया, उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा को बंद कर दिया गया। तो ये उसके कल्पना लोक निर्माण का पहला चरण था जिसमें उसके व्यवसाय संपत्ति लूट गई, यहूदी को अधिकार नहीं था कि वो ध्वज फहरा सके, उसके अंदर अपने यहाँ पर कई सारे संकेत बोर्ड और आपके बुक में पोस्टर दे रखे हैं जिसे बता रखा है कि जर्मनी के अंदर जो गार्डन है, जो रेस्टोरेंट है, जो बड़े बड़े रिसोर्ट है उसके बाहर लिख दिया गया है ओनली फॉर नॉर्डिक आर्यन, अर्थात या फिर ऐसे लिखा गया कि ये यहूदी मुक्त क्षेत्र है, अर्थात ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर यहूदियों का प्रवेश नहीं हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ कौन आएंगे, यहाँ पर सिर्फ नॉर्डिक आर्य आएंगे, उन्हीं के लिए ये सीट्स रिजर्व है, ये रिसोर्ट, ये गार्डन, ये जो विशेष क्षेत्र है वो किसके लिए रिजर्व है, सिर्फ नॉर्डिक आर्य यानी शुद्ध नस्ल जर्मनी के लिए, यहाँ पर यहूदी नहीं आ सकते। इस प्रकार शुरू के अंदर तो क्या किया, इन लोगों का बहिष्कार किया, उनका अपमान किया, उनसे सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन ये लोग रहते तब भी वहीं थे। लेकिन 1933-39 के अंदर तो ये सब कुछ किया और साथ में उसने न्यूरेनबर्ग के अंदर नागरिक अधिकार जो पत्र जारी कर दिया था उसके तहत इनके सारे अधिकार भी छीन लिए गए थे। उसके बाद उसने दूसरा चरण अपनाया और दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था 1940 के बाद से, और उसमें उसने क्या किया था कि ये हमारे साथ नहीं रह सकते, कौन, अवांछित लोग, यहूदी, जिप्सी अब हमारे साथ नहीं रह सकते। उसके लिए उसने क्या करा, डेविड का पीला सितारा जारी किया, कब जारी किया, सब सितंबर 1941 सितंबर 1941 के अंदर उसने येलो कलर का एक डेविड पीला सितारा जारी किया, येलो कलर का एक स्टार जारी किया जो इन अवांछित लोगों को अपने कपड़ों पे, अपने कानूनी दस्तावेज पे और अपने घरों पे लगाना पड़ता था। ये जो येलो सितारा था वो एक सिंबल था कि ये अवांछित लोग हैं, इनका जर्मनी में कोई काम नहीं है, इनके साथ बुरा व्यवहार होना चाहिए, ये हर जगह अलाउ नहीं है, इनके साथ घटिया व्यवहार होना चाहिए। तो अब दूसरा चरण था कि इनको उनके साथ नहीं रहने दिया, उसके लिए उसने, मैंने बात करी थी ना, जनरल गवर्नमेंट नामक स्थान बना दिए जहाँ पर इन लोगों को इन गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो ये सितारा था वो उनके कपड़े, कानूनी दस्तावेज घरों पर लगाया जाता था, उन्हें अलग गंदी बस्तियों में रहना दिया गया, रहने के लिए मजबूर किया गया था, उनको मालगाड़ियों में भर करके ले जाया जाता था और उनको उन गंदी बस्तियों के अंदर रहने के लिए मजबूर किया जाता था जहाँ पर उन्हें कोई सुख सुविधाएं नहीं थी और वो बीमार वहाँ पर पशु की तरह रहते और फाइनली वो वहाँ बीमार भी होने लगे क्योंकि उनको कोई सुविधाएं नहीं और ऊपर से वो बस्तियाँ बहुत कंजस्टेड और गंदी बस्तियाँ थी और वहाँ पर वो मरने लगे। तो पहले चरण में तो उसने केवल बहिष्कार किया और दूसरे चरण के अंदर उनको पशुओं की तरह खदेड़ दिया, मालगाड़ियों में भर भर के जनरल गवर्नमेंट नामक स्थानों के ऊपर उनको रख दिया गया, मतलब अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो। लेकिन अभी भी हिटलर का पेट नहीं भरा, बहिष्कार करके पेट नहीं भरा, उनको जर्मनी के जो अच्छे इलाकों से निकाल दिया और गंदे इलाकों में रखा तब भी उसका पेट नहीं भरा। और फिर आया तीसरा चरण जो कि 1941 के बाद में आया और उस तीसरे चरण में उसने क्या किया कि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, पहले बहिष्कार, अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो लेकिन अब तुमको तो जीने का भी कोई अधिकार नहीं है, मतलब तुम जी भी नहीं सकते हो। और उसमें उसने क्या किया, उनको मालगाड़ियों में भर करके कहाँ ले गया, मैंने कहा था ना मालगाड़ियों में भर के जनरल गवर्नमेंट नामक स्थान पर ले गया, और जनरल गवर्नमेंट नामक स्थान के ऊपर बड़े बड़े बंकर, गैस चैम्बर और कंस्ट्रक्शन कैंप बने हुए थे, वहाँ पर उनको भर भर के उनको सामूहिक रूप से मार दिया गया। और ये कहाँ पर थे, पोलैंड व जर्मनी के पूर्वी इलाकों के अंदर ये जनरल गवर्नमेंट नामक स्थान थे जिसके अंदर बेल्जेक, ऑशविट्स, मैदानेक आदि जो वैसे स्थान थे जहाँ पर मौत के कारखाने थे
और यहाँ पर उनको यातनाएं भी दे रखी है और आपकी बुक के अंदर इन यातना ग्रहों के चित्र या पोस्टर दे रखे हैं और उन पोस्टर के नीचे लिखा भी है कि ये जो मौत के स्थानों को भी कैमरे ने कितने खूबसूरती से पेश किया है, क्योंकि कैमरे के अंदर जो फोटो ली गई है वो इतनी सुंदर जगह दिख रही है कि बाहर से देख करके पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर इस तरह सामूहिक कत्ल खाने हैं। तभी तो बच्चों मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि विश्व के अंदर बहुत बाद में पता चला कि हिटलर ऐसा कार्य कर रहा है, क्योंकि उसने उसके लिए कोड वर्ड यूज़ कर रखे थे कि अंतिम समाधान है ना, यूथोनीजिया। उसका क्या मतलब था उसका पता ही नहीं चलता था लोगों को कि ये क्या कहना चाहता था। तो विश्व के अन्य देशों को भी बहुत बाद में पता चला कि हिटलर इस तरह का कार्य कर रहा है, क्योंकि जो सामूहिक कत्लखाने थे, जो जनरल गवर्नमेंट जो स्थान थे, बाहर से दिखने में काफ़ी खूबसूरत थे लेकिन अंदर था मौत का कारखाना। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि हिटलर ने जो उसका नस्ली कल्पना लोग जिसको वो आदर्श लोग मानता था, वास्तव में वो क्या था, कातिलवादी लोग था और उसको नाम दिया था यूटोपिया। और उसको बनाने के लिए उसने चरण दर चरण कार्य किया। पहले अवांछित लोग जिसको पसंद नहीं करता था उनका बहिष्कार किया, फिर उनको कहा कि तुम्हें हमारे साथ रहने का अधिकार नहीं है, उनको अलग इलाकों के अंदर शिफ्ट किया और फाइनली अलग इलाकों में शिफ्ट करने के बाद उनको सामूहिक रूप से मार दिया गया। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।